अजयगढ़ के इमलाहट गांव में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। दरअसल बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली थी कि इमलाहट गांव में ग्रामीणों को ईसाई बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। थाना धर्मपुर के उपनिरीक्षक ने बताया है कि धर्म परिवर्तन मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाँच में पुलिस को मोबाइल से ईसाई लोगों से जुड़ा साहित्य और चमत्कार दिखाने वाले वीडियो भी मिले हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पकड़े गए लोग ईसाई मिशनरी के एजेंट हैं और ईसाई धर्म अपनाने के एवज में रुपए देने का लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराते हैं। आठ है गांव थाना क्षेत्र धर्मपुर में, तो वहां पे ईसाई धर्म परिवर्तन वाला कार्यक्रम चल रहा था, जो कि सभा लगी हुई थी। तो कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि लगभग 70 से 80 लोग हैं, जिसमें कि अपन ने भी ऊपर बात की, प्रांत में बात की, जिले में बात की, सभी लोगों से संघ में भी बात की, सभी लोग जाके पहुँचे। कुछ कार्यकर्ता पहले पहुँच गए थे, पुलिस को भी सूचना दी गई थी। तो जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो 3 लोग थे, उन 3 लोगों को पुलिस पकड़ के थाने ले आई है, उन पर कार्रवाई चल रही है। सूचना मिली थी कि ग्राम वहाँ पर अमलहट में कुछ लोग मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसकी सूचना पर तस्दीक करने गया हूँ। तो 2-3 लोग मिले हैं, एक का नाम है राम सिंह लोध, पिता राम किशोर लोध, 40 वर्ष निवासी खोरा का है, और एक करण लोग सिंह लोध है, पिता राम किशोर लोध, 30 वर्ष का है, चंपतपुर का है। बेटा राम लोध, राम विशाल लोध, पिता का नाम है, और अमिलहट गांव का है। ये 3 लोगों से पूछताछ चल रही है, ये बता रहे कि मैं भजन कीर्तन कर रहा था और अब उनकी जो भी जानकारियाँ हैं करते इकट्ठा करते, उनके खिलाफ जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई।